So in today's session, we are going to discuss about congruency of triangles today. Now, first question which arises in our mind, like what is the meaning of congruency, sir? Because we have discussed lots of time the properties of triangle. There are three line segments, three angles, the sum of the all angles equals to 180 degree. Multiple properties we have discussed. Now, what is the meaning of congruency? So before start the session, we are going to focus on our this term, the meaning of congruency. So first of all, if you will try to draw this word, which is the congruency, the meaning of this word, when the two things exactly overlap to each other, जब दो चीजें एक दूसरे को exactly overlap करते हैं, just start with our like basic example. Suppose this is my right hand, this one is my left hand, because दोनों hand एक दूसरे के same होते हैं, similar होते हैं. अगर मैं इसको overlap करता हूँ इसके ऊपर, तो exact दोनों same होते हैं, सारे fingers, सारे thumbs, जितनी भी चीजें हैं वो exactly एक दूसरे को overlap करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के similar हैं, exact same हैं. तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जो दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे के congruent हैं. सर, अब मैथमेटिक्स में इस चीज को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप. इफ यू विल टेक अ स्क्वायर, लाइक सपोज अगर आप एक स्क्वायर लेते हैं और साथ में एक दूसरा स्क्वायर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके मेजरमेंट्स पे फोकस करना पड़ेगा. सपोज द ऑल साइड शुड बी इक्वल, क्योंकि स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से सारे साइड इक्वल होते हैं. तो अगर ये स्क्वायर 5 सेंटीमीटर ईच लाइन सेगमेंट के साथ है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ईच लाइन सेगमेंट के साथ होना चाहिए. सपोज अगर ये कन्वर्ट हो जाता है 6 सेंटीमीटर के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि अगर इस स्क्वायर को मैं इसके ऊपर पुट करता हूं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे. व्हाई? बिकॉज़ दिस स्क्वायर इज कंपैरेटिवली बिगर देन दिस वन. सो वी कैन से दैट बोथ ऑफ द स्क्वायर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. सपोज इफ आई विल टेक अ लाइन सेगमेंट, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ विच इज अ 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो अ 1D शेप. ये एक बेसिकली 1D शेप है, और 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ विच कैन बी नेम गिवन नेम इज ए एंड बी. लेट्स टेक अनदर लाइन सेगमेंट विच इज क्वाइट अ स्लैंट एंड दिस वन इज अ 5 सेंटीमीटर. सो इन दिस केस वी कैन से दैट स्टूडेंट्स दैट बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सर, दोनों के मेजरमेंट्स तो सेम है लेकिन दोनों की पोजीशन अलग अलग है. सो इफ यू विल द ओवरलैप टू ईच अदर, तो क्या बेसिकली ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, बेसिकली दोनों के दोनों दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है. अल्टीमेटली दोनों के मेजरमेंट्स सेम हैं. तो इन द केस ऑफ 1D शेप, इफ यू विल टेक द सिमिलर थिंग्स, लाइक अगर 1D शेप के अंदर अगर आप सिमिलर थिंग्स लेते हैं और उनके मेजरमेंट अगर सेम हैं, उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती. इफ द पोजीशंस विल बी डिफरेंट, लाइक दिस वन इज अ स्लैंट और व्हाटएवर पोजीशन, लाइक वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, व्हाटएवर पोजीशन इज देयर, इट डजंट मैटर. लाइक इफ यू विल पुट द दिस थिंग ऑन द दिस, सो इट विल बी डेफिनेटली ओवरलैप टू ईच अदर. सो वी कैन से दैट दिस शेप इज अ कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स. नाउ द सेकंड थिंग. नाउ सर, बिकॉज ट्राइंगल की बात अगर हो रही है, और ट्राइंगल की बात हो और एंगल्स की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. सो लेट्स फोकस ऑन एंगल्स. बट बिफोर मेकिंग द एंगल्स, हम एक एक लिंक को आपस में एड ऑन करेंगे. लाइक सपोज हम लोगों ने स्टार्ट करा लाइन सेगमेंट से, सर ए बी लाइन सेगमेंट हम लोगों ने स्टार्ट करा, देन जस्ट मेक अनदर लाइन सेगमेंट. इवन यू कैन से दैट द विद द वन स्टार्टिंग पॉइंट, वन रे इज ऑन दिस साइड एंड वन रे इज ऑन दिस साइड. सो वेर एवर दे इंटरेक्ट टू ईच अदर, That calls a angle. जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं उसको हम लोग एंगल बोलते हैं. सपोज इफ दिस वन इज अ 45 डिग्री एंड दिस लाइन सेगमेंट वी कैन से दैट 5 सेंटीमीटर, दिस वन इज 6 सेंटीमीटर. ओके, सो एक एंगल हमारा यहाँ पे हो जाता है तैयार. लेट्स टेक एन अनदर वन. अगर हम यहाँ दूसरा लेते हैं और ये भी अगर 45 डिग्री है, लाइक सपोज ई एफ एंड जी, ई एफ एंड जी, बट इन दिस केस इफ दिस वन इज अ 3 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज अ 5 सेंटीमीटर, वट? सर, आपने सिखाया कि लाइक जैसे इफ टू थिंग्स ओवरलैप टू ईच अदर, कि अगर ये ओवरलैप कर रहा है इसको एक्जैक्टली सेम है, जस्ट द एग्जांपल्स ऑफ अवर हैंड, अगर ये दूसरे को एकदम सेम सिमिलर ओवरलैप करते हैं तभी कॉन्ग्रुएंसी होती है. नो, वो पॉइंट यहां पे आके रॉन्ग साबित होता है. कैसे? क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल सेम है. ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है. इन द केस ऑफ एंगल्स वी कैन से दैट स्टूडेंट्स, इफ द लाइन मेजरमेंट इज डिफरेंट टू ईच अदर, अगर लाइन इनके डिफरेंट होते हैं तो मैटर नहीं करता है, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए. इसको हम एक बेटर एग्जांपल में समझते हैं. सपोज दिस वन इज अ लाइन, दिस वन इज अनदर लाइन, तो बेसिकली यहाँ पे एक एंगल डिजाइन होता है, यहाँ पे आप एक 90 डिग्री का एंगल देख सकते हैं. तो अगर बेसिकली अगर मैं इसके अंदर एक छोटा एंगल बनाने का ट्राई करूं, सपोज अगर ये छोटा एंगल है, दोनों है 90 डिग्री के, बट एक लाइन है वो छोटी है और एक लाइन है जो बड़ी है. सो इन दिस केस इवन वी कैन से दैट दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये मैटर नहीं करता. सपोज ये एंगल लिया 90 डिग्री,
और अगर मैं एक यहाँ पे बड़े लाइन सेगमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता हूँ, आप ये देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ भी 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों सेम करता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल एफ इट्स कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए, इस केस में हम यहाँ बोल सकते हैं। सो इन द केस ऑफ एंगल्स, एंगल शुड बी इक्वल, अगर एंगल्स इक्वल है तो कॉन्ग्रेंसी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सो टू स्टेप्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोनों ट्राइंगल्स की, लाइक गिव सम इनिशियल्स लाइक ए बी सी एंड देन एंड द ट्राइंगल वी कैन से दैट इट्स ई एफ जी। सो बात करते हैं यहाँ पे वर्टेक्स की, द कॉर्नर्स ऑफ द साइड्स, इट मींस दीस कॉर्नर्स वी कैन से दैट द वर्टेक्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स वी कैन से दैट द वर्टाइसेस बेसिकली। सो वर्टेक्स जो है यहाँ पे एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप करने चाहिए। सपोज ए शुड बी इक्वल्स टू ई एंड इन द केस ऑफ बी शुड बी इक्वल्स टू वी कैन से दैट एफ एंड द सी शुड बी इक्वल्स टू जी। लाइक सपोज इफ यू विल पुट दीज टू शेप्स टू लाइक अपॉन, लाइक अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर पुट करते हैं बेसिकली, तो जो एक कॉर्नर है एक दूसरे को एग्जैक्टली लाइक सुपर इम्पोज इन दी मीन्स लाइक एग्जैक्ट ओवरलैप करने चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि अगर एक कॉर्नर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे तो बेसिकली कॉन्ग्रेंसी प्रूफ नहीं होगी। सो इट शुड बी देयर दैट द कॉर्नर्स, इट मीन्स द वर्टेक्स शुड बी ओवरलैप टू ईच अदर शेप, ये एक दूसरे के शेप को ओवरलैप करने चाहिए तभी जाके हमारा वर्टाइसेस यहाँ पे पूरे होते हैं। सो इन द लास्ट हम लोग बोल सकते हैं, हमने पहले 1D शेप से स्टार्टिंग करी यहाँ पे, लाइक लाइन सेगमेंट शुड बी इक्वल्स, देन मूव डाउन द एंगल्स एंड द फाइनल वन अवर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर हमने तीन चीजें की, 1, 2 and 3। तो इस तरह तीन चीजें बेसिकली हम इसके अंदर ध्यान देते हैं, इफ द थ्री थिंग्स विल बी इक्वल टू ईच अदर सो वी कैन से दैट द शेप शुड बी कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, इट मीन्स द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल हम लोग इस तरह बेसिकली यहाँ पे प्रूफ करते हैं। लाइक नाउ वी कैन से दैट सर द डिफरेंट मेथड्स आर देयर, लाइक थ्री थिंग्स, अगर तीन चीजें एक दूसरे के इक्वल है तो बेसिकली कॉन्ग्रेंसी के लिए भी तीन तीन पार्ट हमें चाहिए। लाइक सपोज if we talk about the these two triangles, so we can prove the congruency between, this one is a sign of congruent student, this one is a sign of congruent. So if you want to prove the congruency between the these two triangles, so first of all give some name, we have given the name, now the angle time, now we can start. Suppose if the AB is equals to EF, suppose AB is equals to EF and BC is equals to FG and the last one AC is equals to EG. It means the three of the sides are equals to each other in this part. So we can say that side, side and side. We can say that according to the congruency rule of side, side and side, these both triangles congruent to each other, the posse of triple S. We can say that side, side, side. और भी यहाँ पे मौके होते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक सपोज इफ द थ्री एंगल्स आर इक्वल, दिस वन इज वी कैन से दैट 60 डिग्री 60 डिग्री अगेन 60 60। ओके, सो वी कैन इवन से दैट द विद द कॉन्ग्रेंसी ऑफ एंगल एंगल एंड एंगल, इट मींस द ऑल थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, इट मींस सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो भी ये बेसिकली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि यहां भी कॉन्ग्रेंसी हमारी प्रूव हो सकती है। And another case, what about the sir right angle triangle? Suppose अगर हमारे पास एक right angle triangle है, suppose एक right angle triangle यहाँ पे हमारे पास आता है, so इसके अंदर एक angle जो होता है वो 90 degree होता है, but obvious, so basically इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक right angle triangle, एक hypotenuse और side, अगर एक right angle, hypotenuse और side अगर common है, this one is our hypotenuse, okay, angles we can take and right angle, hypotenuse and साइड, अब कोई भी साइड हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, सपोज दिस वन इज ए बी सी ई एफ जी, सो वी कैन से दैट ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी, एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड दिस वन हाइपोटेनियस आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, सो इन दिस केस वी कैन इवन से द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल बिटवीन प्रूफ। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल विद डिफरेंट शेप, सपोज अगर हम बात करते हैं किस तरह के ट्राइंगल की, और यहाँ पे हम बात करते हैं ये एक हाइपोटेनियस है, एक हाइपोटेनियस है, ये इनकी एक कॉमन साइड है यहाँ पे ए बी सी डी, ये इनकी एक कॉमन साइड है, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ले सकते हैं राइट एंगल कॉमन है दोनों के अंदर, दोनों के अंदर 90 डिग्री के राइट एंगल आते हैं, हाइपोटेनियस भी है दोनों के अंदर, दोनों कॉमन है और बीच में सेंटर में एक लाइन, इट मींस ए बी इज कॉमन बिटवीन दी टू
triangles. So we can say that with the help of RHS, with the help of RHS, right angle, hypotenuse and one side. If you will take the right angle, hypotenuse and side, so we can say that both triangles are congruent to each other. So इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे congruency के rules होते हैं जो हम basically हमारे next video में सीखेंगे. Till hope आप लोगों को basics of congruency of triangle समझ में आया होगा students. So in our next session students, we will discuss about some good examples and take some sums from your exercise of textbook. So till have a nice day. See you in our next session.